नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये पक्षी आपको करोड़पति बना सकते हैं। अमीर बनने की इच्छा किसी न किसी को होती है, लेकिन हर कोई अमीर आदमी नहीं बन पाता। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि आप चंद सेकंड में बिना कुछ किए अमीर बन सकते हैं, तो आपकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी? जी हाँ मित्रों, अगर आपको पता चले कि एक मिनट में करोड़पति आपको कोई रहस्य नहीं बल्कि एक छोटा सा पक्षी बनाएगा, ये हमारे वीडियो में देख लीजिए। तो ये सुनकर के आपको दोस्तों थोड़ा सा चंबित लगेगा, लेकिन ये सच है। बता दें दोस्तों, इस पक्षी का नाम है टिटहरी। इस प्रकार से देख लीजिए, और ऐसा मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझो उस दिन धरती पर भूकंप आ जाएगी। टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती, वह भूमि पर ही अंडे देती हैं और भूमि पर ही रहती हैं। इस प्रकार से होते हैं टिटहरी के पक्षी। देख लीजिए, कोई भी अन्य पक्षी जब भी अंडा देता है तो उस पर बैठ करके उसको गर्म करके उसको तोड़ता है, लेकिन टिटहरी ये सब अलग है, सबसे अलग क्रिया करता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। टिटहरी जब भी जमीन पर अंडा देता है तो उसे तोड़ने के लिए उसको पारस पत्थर की जरूरत पड़ती है, है ना। और इसी पारस पत्थर से आप करोड़पति बनेंगे, अमीर बनेंगे। और कहा जाता है कि अगर पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह सोना तुरंत बन जाते हैं, मतलब लोहे को छूने मात्र से तुरंत सोना में बदल जाते हैं। आपको बता दें कि यह रहस्यमय पत्थर जो कि हर किसी को आसानी से नहीं मिल पाता, लेकिन टिटहरी इसे न जाने कहां से ढूंढ करके लाती हैं। और ये जो पारस पत्थर आता है बहुत ही कीमती है, ये लोहे को छूने मात्रा से सोना में बदल देती हैं। शास्त्रों की कहानी बताती है कि हिमालय के जंगल में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती हैं, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। कहानी के अंदर जिक्र भी आता है कि कई संत पारस मणि खोज करके लाते थे और अपने भक्तों को देते थे। यह मणि हिमालय के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बस इसका थोड़ा बहुत पहचान करना आना चाहिए। तो किस प्रकार से टिटहरी पक्षी आपको करोड़पति बना सकती है, किस प्रकार से सोने का अंडा देती हैं, ये जानते हैं। तो टिटहरी पक्षी क्या करती हैं, अंडे बनाने के बाद ये अंडे को सेंकने के लिए या अंडे में चूजे लाने के लिए पारस पत्थर लेकर के आती हैं। इसी टाइम का आपको इंतजार करना है। टिटहरी पक्षी जब पारस पत्थर ले आए, इसके घोंसले ढूंढ लीजिए, तो इसके अंडे के आसपास में आपको कीले रख देनी है। कील यानी कि जो लोहे का कील रहती है वो आपको रख देनी है इसके आसपास में। जब भी पारस पत्थर से लोहे का कील टच होंगे तो समझ जाइए वह कील तुरंत सोने में बदल जाएंगे। आपको इसी टाइम का इंतजार करना है और आपको सारे पत्थर को साथ में लेकर के आ जाना है। इसके घोंसले में बहुत सारे पत्थर होते हैं, फिर हर पत्थर से आपको कील को छू छू करके देखना है। जिस पत्थर से जो कील सोने बन जाए, समझ जाइए वही पारस पत्थर है। तो ये है टिटहरी। आज मैं आप लोगों को वीडियो में टिटहरी से अमीर बनने का सरल छोटा सा प्रयोग बताया हूँ। यह प्रयोग बहुत ही कामयाबी होते हैं। इस प्रयोग से कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के धन अर्जित कर सकते हैं, बस उन्हें ओरिजिनल पारस पत्थर मिल जाए। आशा करता हूँ शास्त्रों में लिखी गई बातें को मैं आप लोगों को बताया हूँ, यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा।